नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुब्रत चौहान और आप देख रहे हैं फिश इनपुट चैनल। दोस्तों हमने जो ट्रेनिंग कोर्स स्टार्ट किया था, इसमें मैंने 3 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं, जिसमें मैंने काफ़ी सारा चीज़ बताया। आप नहीं देखेंगे तो पहले देख लीजिए। आज मैं इसका 4th पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप अगर मछली को ब्रीडिंग कराना चाहते हैं और इसके बारे में जानना सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इसके जो प्रोसीजर है उसके बारे में भी आपको जान लेना ज़रूरी है। अगर आप हैचरी बनाना चाहते हैं तो इसमें सब कुछ जानने के साथ साथ आपको ये भी जानना होगा कि इतना सारा टैंक का ज़रूरत होता है, अलग अलग टैंक का क्या क्या काम है, इस तरह का काफ़ी सारा जानकारी होना आपके पास ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको टैंक के बारे में बताऊंगा, अगर हैचरी बनाना चाहते हैं तो किस तरह का टैंक का ज़रूरत होता है और अलग अलग टैंक का नाम क्या है और उस टैंक का काम भी क्या है। तो सब कुछ जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ। तो स्टार्टिंग में हम अब जो चीज़ को बता रहे हैं वो है सर्कुलर टैंक। आप अगर सर्कुलर टैंक जो है वो असल में गोल गोल रहता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसको सर्कुलर टैंक बोला जाता है। मैं थोड़ा ऊंचा से दिखाता हूँ, ये देखिए जो गोल टाइप का टैंक रहता है उसको सर्कुलर टैंक बोला जाता है। जैसे कि ये टैंक है गोल, चारों तरफ से राउंड एकदम गोल है और ये बड़ा साइज़ का 2 सर्कुलर है। इधर आप देख सकते हैं छोटा साइज़ का भी सर्कुलर आप बना सकते हैं अगर आप छोटी प्रोजेक्ट तैयार करना चाहते हैं। यहाँ पे ये भी सर्कुलर है, बाहर से स्क्वायर है लेकिन अंदर से इसका शेप जो है गोल है और ये छोटा साइज में, ये है 5, 6, 7 है, इधर बहुत सारा है। तो ये छोटा सर्कुलर भी है, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका छोटा सर्कुलर बनाने का 2 फायदे है, एक तो आप इसको ब्रीडिंग के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा है आप मछली वछली अगर रखना चाहते हैं तो भी आप इसको रख सकते हैं। और ये जो सर्कुलर है सबसे पहले आपको लगेगा, ये आप अलग अलग साइज़ों में तैयार कर सकते हैं। ये सर्कुलर में अक्सर ब्रीडिंग करा जाता है, जब मछली को हम ब्रीडिंग कराते हैं, मछली को इंजेक्शन देने के बाद छोड़ते हैं तो मछलियाँ सर्कुलर में अंडा देती है। काफ़ी सारा वीडियो में मैंने दिखाया, आप ब्रीडिंग का कुछ वीडियो देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि ये सर्कुलर का क्या काम है और इसी में मछली को हम ब्रीडिंग कराते हैं। तो ये है सर्कुलर टैंक। तो सबसे पहले आपको इस तरह का सर्कुलर टैंक लगेगा और सर्कुलर टैंक के लिए आपको बहुत बड़ा टैंक का भी ज़रूरत नहीं है, आप अपना हिसाब से रख सकते हैं। ये जो टैंक आप देख रहे हैं, इस टैंक में लगभग आप 10 मछली को ब्रीडिंग करा सकते हैं, लगभग 2.5 से 3 किलो साइज़ का 10 मछली को बहुत आसानी से ब्रीडिंग करा सकते हैं। बड़का सर्कुलर में हम लोग 30 से 35 मछली को बहुत आसानी से ब्रीडिंग करा लेते हैं। और आगे मैं इसका साइज़ भी आपको नाप नाप के दिखाऊंगा अगर आप बनाना चाहते हैं तो। आज मैं बता रहा हूँ असल में क्या लगेगा, कौन कौन चीज़ों का ज़रूरत होता है। ये सर्कुलर टैंक अगर आप बना लेते हैं तो उसको उसके बाद आपको जो चीज़ का ज़रूरत होगा वो है एक कलेक्शन टैंक। देखिए सर्कुलर के अंदर एक छेद है, मैं दिखा रहा हूँ। यह क्या होता है, यहाँ पे जब मछलियाँ ब्रीडिंग करती है तो ये छेद के मदद से अंडा जो है इसके अंदर से सर्कुलर टैंक से नीचे से होकर इस रिजर्व टैंक या स्टॉकिंग टैंक में अंडा आती है। तो इस तरह का एक टैंक का भी आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसका साइज़ बहुत बड़ा नहीं है, 3 फीट बाई 4 फीट साइज़ का लगभग है। तो ये जो एक कलेक्शन टैंक है ये भी आपको ज़रूरत होगा, हर एक सर्कुलर के साथ ये रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने बोला हर टैंक के साथ जुड़ा है, तो इसका ये बड़का वाला जो है इसका ये है और ये जो छोटा है इसके लिए ये टैंक का इस्तेमाल किया जा रहा है और वो बड़ा सर्कुलर के लिए वो वाला टैंक और ये सर्कुलर के लिए ये टैंक वो सर्कुलर के लिए वो टैंक और वहाँ से 2 सर्कुलर के लिए 2 छोटा-छोटा टैंक है। तो इस तरह से सर्कुलर टैंक को सर्कुलर के साथ जो एक कलेक्शन टैंक है उसको बनाया जाता है। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे थोड़ा कचरा या गंदगी दिख रहा है क्योंकि सीजन ऑफ है, अभी इसको क्लीन नहीं किए, रंग नहीं किए, तो इस तरह से दिख रहा है। इसमें मत जाइए, इन्फॉर्मेशन की तरफ जाइए। तो ये रहा सर्कुलर टैंक। तो ये 2 टैंक के बाद अभी ज़रूरत होगा जार या फानेल का ज़रूरत होगा। अगर आप मछली को ब्रीडिंग कराना चाहते हैं तो अंडे को प्रोसेस करना होगा जिससे स्पॉन तैयार होता है, इसके लिए फानेल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये रहा फानेल, जिसे जार के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये बिल्कुल ही गोल रहता है, जैसे कि तेल खरीदने के टाइम लोग तेल जिसमें नमक के देते हैं जिसे फानेल बोला जाता है, वो ही इसका शेप है। और ये जैसे कि आप ऊपर से देख रहे हैं गोल, मैं दिखाता हूँ और नीचे से इसका शेप भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँ तो इसका शेप आप देख सकते हैं एकदम गोल है, देखिए इस तरह से दिख रहा है और यहाँ से पानी जाता है
एक से ऊपर आता है। तो बाकी का प्रोसेस जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसमें एक एक टैंक का जो प्रोसीजर है मैं अलग अलग से बताऊंगा। आज सिर्फ बता रहा हूँ कौन कौन टैंकों का ज़रूरत आपको होगा। तो ये जो जार है ये काफ़ी सारा है, आप अपना हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे आप जितना प्रोडक्शन करना चाहते हैं उसी हिसाब से आप जिस जार को बना सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए जार जो है इस तरह से बनाया जाता है। और दो चीज़ मैं बता दूँ, जार का थिकनेस जो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए इतना मोटा है, तो पतला से भी चल जाता है। और इसको दिखाता हूँ, ये देखिए, तो ये काफ़ी पतला है, तो इतना मोटा बनाने का ज़रूरत नहीं है। और साइज़ भी अलग अलग होता है, बड़ा छोटा है। जो जब मैं इसका अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और उसमें डिटेल में बताऊंगा किस तरह से काम करती है, किस साइज़ से बनाना चाहिए, सब टैंक का शेप जो है वो कैसा है, तो उसके लिए बने रहना होगा। आज मैं सिर्फ टैंक के बारे में बता रहा हूँ। तो पहले मैंने बताया जो सर्कुलर टैंक है वो गोल वाला, वो लगेगा बड़ा या छोटा। इसके बाद एक स्टॉकिंग टैंक लगेगा, इसके बाद आपको लगेगा जार या फानेल, जो कि इस तरह से बनाया जाता है और थोड़ा हाइट में इसको बनाया जाता है। और इसके बाद आपको लगेगा स्पॉन स्टॉकिंग टैंक। आप जब मछली को ब्रीडिंग कराएंगे, मछली का जो बच्चा होगा, अंडा होगा, उसको इस जार में देकर आप इसको करेंगे प्रोसेस। प्रोसेस करने के बाद इसमें से बच्चा होगी, तो वो बच्चे को 48 घंटा बाद इस जार से निकाल कर हमें स्टॉकिंग करना होता है स्पॉन स्टॉकिंग टैंक में, जो कि इस तरह से रहता है। आगे की तरफ में जाके दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा स्पॉन स्टॉकिंग टैंक जो स्क्वायर शेप में रहता है। और इसी स्पॉन स्टॉकिंग टैंक में आप स्पॉन को स्टॉकिंग करेंगे और 72 घंटा के बाद इस स्पॉन को सेलिंग भी कर दिया जाता है, जो कि इस तरह से दिख रहा है। तो इसका भी जो साइज है लगभग 10 से 8 फीट बाई 10 फीट का जो साइज है उसी साइज से, तो ये भी आपको ज़रूरी है। और ये आप अपना हिसाब से कर सकते हैं, आपका प्रोडक्शन कितना होगा, आप मछली को कितना बनाएंगे, उसी हिसाब से आप टैंक को तैयार कर सकते हैं। तो जब मैं सिंगल सिंगल वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में बताऊंगा कि टैंक में कितना बच्चा स्टॉकिंग हो सकता है, इसका साइज़ कितना होना चाहिए, इसका डीप कितना होना चाहिए, सब कुछ अलग अलग बताऊंगा। आज जो है टैंक के बारे में बता रहा हूँ। तो ये टैंक लगेगा, इसके बाद सबसे मेन और ज़रूरी जो चीज़ है वो है ओवर टैंक। ओवर टैंक होता है जो स्टॉकिंग टैंक होता है, आप अगर ध्यान से देखेंगे ऊपर जो टैंक है उसको ओवर टैंक बोला जाता है, जो कि इस तरह से रिजर्व टैंक जिसमें पानी रहता है, और वो पानी जो है इस पाइप के मदद से नीचे की तरफ आती है और हर एक टैंक में सप्लाई की जाती है। यहाँ पे हमारे पास दो टैंक है, यहाँ पे एक टैंक देख रहे हैं और पीछे आप देख सकते हैं और एक टैंक है, ये गाइस देखिए ये रहा वो टैंक, और इसी को बोला जाता है वाटर रिजर्व टैंक, जो कि इस तरह से आपको लगेगा। तो यही सारा चीज़ आपको ज़रूरत होगा अगर आप हैचरी बनाना चाहते हैं, ब्रीडिंग कराना चाहते हैं तो। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो कि ये सारा टैंक में बहुत ज़्यादा पानी लगता है, तो पानी को निकालना पड़ता है। 24 घंटा पानी जब चलता है तो निकालने का जो प्रोसीजर है लगभग सब में सेम है। ये देखिए बीच में सेंटर में छेद है और सेंटर से होता हुआ नीचे की तरफ आती है और यहाँ पे आके ये ड्रेन में पाइप पानी जो है बाहर की तरफ निकल जाती है, जो कि इस तरह से दिखता है। और ये ड्रेन का पानी जो है बिल्कुल बाहर चला जाता है, इसको रीयूज नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, काफ़ी सारा जानकारी मैंने दिया कौन कौन सा टैंक लगेगा, किस तरह का टैंक का ज़रूरत होता है। आगे भी बहुत सारा जानकारी बाकी है देना, तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करना। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।